चलिए आज हम लोग समय भी ग्राफ पर आधारित एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दिया गया है एक वस्तु का समय भी ग्राफ इस चित्र में प्रदर्शित किया गया है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला, 0 से 10 सेकेंड के बीच वस्तु का विस्थापन। दूसरा, 0 से 10 सेकेंड के बीच वस्तु का त्वरण। और तीसरा, 5वीं सेकेंड पर वस्तु का त्वरण। तो चलिए इसके पहले भाग को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी 0 से 10 सेकेंड के बीच वस्तु का विस्थापन। तो आपको हम पहले ही समझा चुके हैं, ये बतलाया गया है कि समय भी ग्राफ में प्राप्त होने वाली ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल से ही वस्तु का विस्थापन प्राप्त होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0 से 10 सेकेंड के बीच वस्तु का विस्थापन बराबर घिरी हुई आकृति का क्षेत्रफल। और यदि क्षेत्रफल की बात की जाए तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और त्रिभुज ही आकृति है, तो कहा जा सकता है कि विस्थापन बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, लिखा जा सकता है कि वस्तु का विस्थापन बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो चलिए यदि हम लोग मान रखने की बात करें तो आप देख सकते हैं, या वहां से यदि हम लोग रेखा भेजें तो एक रेखा 20 पर जबकि दूसरी वाली 0 पर जा रही है, तो यहाँ ऊंचाई का मान हो गया 20-0। जबकि आधार की बात की जाए तो आप देख रहे हैं 10 से 0 तक ये जा रही है, तो इसका मान हो गया 10-0। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि वस्तु का विस्थापन बराबर 1/2 गुणे 10-0 गुणे 20-0। यानी नीचे लिखा जा सकता है कि 1/2 गुणे 20 गुणे 10, और 2 से वो 10 कटेगा तो 5 बार में कटेगा, यानी नीचे लिख सकते हैं 5 गुणे 20, और यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो 100 मीटर। चलिए अब हम लोग इसके त्वरण की बात करते हैं, 0 से 10 सेकेंड के बीच वस्तु का त्वरण। तो भाई कहा जा सकता है कि हम जानते हैं कि प्राप्त होने वाली रेखा के ढाल से ही वस्तु का त्वरण प्राप्त होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 0 से 10 सेकेंड के बीच वस्तु का त्वरण बराबर रेखा AB की ढाल। और यदि ढाल की बात की जाए तो आप जानते हैं बराबर tan थीटा, और कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो भाई यहाँ परपेंडिकुलर हो गया BC जबकि आधार हो गया AC, यानी इज इक्वल टू BC/AC। और यदि इनके वैल्यू को ध्यान से देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि वहाँ से जब हम लोग लाइन भेजेंगे तो एक 20 पर और दूसरी 0 पर, यानी यहाँ पर लंब का मान हो गया 20-0, और आधार की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 10 से 0 यानी 10-0। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वस्तु का त्वरण बराबर 20-0/10-0। और नीचे आप देख रहे हैं 20/10, और यदि 0 से 0 कैंसिल हो जाए तो यहाँ से निकल चुका है कि वस्तु का त्वरण बराबर 2 m/s². और अब यदि तात्क्षणिक बात की जाए तो आपको पहले ही हम समझा चुके हैं, थ्योरी में ये पढ़ाया जा चुका है कि यदि समय वेग ग्राफ सीधी रेखा के रूप में है तो वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण उसके औसत त्वरण के मान के बराबर होता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण बराबर 2 m/s². तो ये था 5वें सेकेंड पर वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण।